हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ट्विंकल्स वर्ल्ड और मैं हूं ट्विंकल आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं रेसिपी ऑफ चॉकलेटी पेड़ा और इसे बनाने के लिए ना ही हमें चॉकलेट का यूज करना है ना कोकोआ पाउडर और ना ही चॉकलेट सिरप का तो बिना इन सभी चीजों के हम कैसे इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं बट

और इसे चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए हम यूज करेंगे चॉकलेट फ्लेवर्ड ओरियो बिस्किट्स और इनसे ही बिल्कुल मस्त सा हमारा ये चॉकलेटी फ्लेवर पेड़ा रेडी हो जाए आप इन पेड़ों को ना लगभग एक वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं बट यू हैव टू स्टोर इट इन फ्रिज तो ऐसे ही परफेक्ट बने रहते हैं ये इन्हें बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ थ्री पैक्स ऑफ पार्ले जी बिस्किट्स और एक पैकेट ओरियो बिस्किट्स तो पार्ले जी मैंने 65 फाइव ग्राम्स के पैक यूज किए हैं और ओरियो मैंने चॉकलेट फ्लेवर का यूज किया है जो कि 46 सिक्स ग्राम्स का पैकेट है तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो पैकेट पार्ले जी बिस्किट और पहले हम इनका पाउडर बना के रेडी करेंगे तो मैं पार्ले जी बिस्किट्स को थोड़ा सा क्रश कर ले रही हूँ तो इसका बहुत अच्छा फाइन पाउडर बन जाता है ऐसा करने से तो मैंने यहाँ एक मिनट के लिए इसे ग्राइंड कर लिया और इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन के रेडी हो गया अगर थोड़े बहुत ग्रैनुअल्स दिख रहे हों तो टेंशन लेने की बात नहीं है और अब मैं एक पैकेट ओरियो और एक पैकेट पार्ले जी बिस्किट को ग्राइंड करने वाली हूँ तो ओरियो पैकेट लेने से यहाँ पर ओरियो का चॉकलेट फ्लेवर मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा चॉकलेटी हो जाता है क्रीम के साथ ही मैंने इसे ग्राइंड किया क्रीम अलग नहीं किया है तो बिल्कुल रेडी हो गया है ये तो अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी कंडेंस्ड मिल्क ये टोटल सेवन टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क है आप चाहें तो सिर्फ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके थोड़े जो ग्रैनअल में दिख रहे हैं हाथ से ही क्रश कर लूंगी और अब इसमें डाल दूंगी दो बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क तो कंडेंस्ड मिल्क डाला है मैंने दो बड़े चम्मच ही थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हमें इसमें चार बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क यूज करना है और साथ ही हम इसमें डालेंगे एक चम्मच दूध दूध डालने से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है कंडेंस्ड मिल्क में शुगर होता है तो ये थोड़ा हार्ड रहता है और दूध डाल देने से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है आप अगर सिर्फ दूध यूज कर रहे हैं तो लगभग तीन से चार चम्मच दूध में ही ये बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के रेडी हो जाता है अगर आप दूध यूज कर रहे हो तो उसमें एक चम्मच चीनी भी ऐड कर लें चीनी पीस कर ऐड करें तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से एक चम्मच दूध डाला और इस तरीके से गूंद लिया और आपने देखा कि दूध डालते ही ये कितना सॉफ्ट गूंद रहा है और बस इसे ऐसे ही रेडी करना है इसे गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर डाला चार चम्मच कंडेंस्ड मिल्क और एक चम्मच दूध तो ये इस तरीके से एक डो बनकर रेडी हो गया और अब हम दूसरा जो ओरियो और पाली जी को साथ में मिक्स करके हमने डो रेडी किया है वो भी ले लेंगे और इसमें मैं डालूंगी तीन चम्मच कंडेंस्ड मिल्क और दो चम्मच दूध क्योंकि इसमें क्रीम है इसलिए मैं कम मीठा डाल रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए देखा मैंने यहाँ लगभग दो चम्मच अभी कंडेंस्ड मिल्क डाला है सेकेंड स्पून वॉज हाफ फिल्ड सो अब मैं यहाँ पर ये थर्ड स्पून भी डाल दूंगी तो टोटल तीन चम्मच हमने यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया ओरियो की क्रीम काफ़ी मीठी होती है इसलिए हम यहाँ पे कम मीठा यूज़ कर रहे हैं और अब मैं यहाँ डाल दूंगी दो चम्मच दूध तो दो चम्मच दूध डाल देने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट रेडी हो जाता है पहले वाले डो में हमने चार चम्मच कंडेंस्ड मिल्क के साथ एक चम्मच दूध यूज़ किया था यहाँ हमने तीन चम्मच कंडेंस्ड मिल्क के साथ दो चम्मच दूध यूज़ किया है अगर आप सिर्फ दूध यूज़ कर रहे हैं तो चार चम्मच दूध और एक चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दें तो इससे भी आप रेडी कर सकते हैं बिना कंडेंस्ड मिल्क के तो ये डो भी बिल्कुल सॉफ्ट रेडी हो गया है और अब मैं यहाँ पर देख सकते हैं कितनी चिकनाहट आ गई है डो में तो ये बस इस तरीके से हमें यहाँ पर अब छोटी छोटी इसकी गोलियाँ रेडी करनी हैं तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बिस्किट का डो ले रही हूँ और एक चॉकलेटी फ्लेवर वाले बिस्किट का डो ले रही हूँ और इससे ही हम इसके राउंड पेड़े बना के रेडी करने वाले हैं और अब इस तरीके से एक के बाद एक दूसरा कलर में रखूँगी इस तरीके से और इन्हें थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए एक साथ इकट्ठा कर लेना है ऐसे और गोल करके दबा देना है और जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं ना ये इस तरीके से दिखने लगता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इसी तरीके से मैं आपको एक और बना कर दिखाती हूँ कि कितने सुंदर पेड़े बनकर रेडी होते हैं और जब भी आपको इंस्टेंट मीठा खाने का मन हो तो अगर घर पे बिस्किट्स रखे हैं आप तुरंत बना के इसे रेडी कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप चॉकलेट फ्लेवर वाला ही बनाएं। आप कैसा भी बनाकर रेडी कर सकते हैं अगर आपने होम मेड बिस्किट्स बनाए हैं तो उनसे भी रेडी कर सकते हैं तो बस इस तरीके से इन्हें पास लाना है और गोल घुमाकर प्रेस कर देना है और बस रेडी हो गया है आप देख रहे हैं कि इसे बनाते हुए हाथ में कितनी चिकनाहट आ रही है क्योंकि बिस्किट्स जो होते हैं वो अपना ऑयल छोड़ देते हैं तो आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरीके से सारे ही पेड़े बनाकर रेडी कर, कर लिए और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं खाने में बहुत ही टेस्टी हैं तो मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ डेरी मिल्क चॉकलेट्स के ना मैंने छोटे छोटे इस तरीके से क्यूब्स काट लिए हैं आप चाहे तो बिना डेकोरेट किए भी इसे इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही चॉकलेटी टेस्ट आता है इसका सब रेडी हो गया है आपको भी जब भी स्वीट खाने का मन करे आप इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिए बच्चों को तो डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है और बड़े भी चॉकलेट खाने में पीछे नहीं रहते तो मैं आपको इसके अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये कितना स्मूद है परफेक्ट है तो आप इसे बनाकर ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा